वीर भया अणभार जगत में, वीर भया अणभार जगत में, वीरा ऊपर वीर भयो। तमर वंश रो मान बढ़ावण राजा राम सावीर हुयो। जय जय तमर राम सावी, जय जय राजा राम सावी, जय जय तमर राम सावी, जय जय राजा राम सावी। विक्रमादित्य पुत्र कही जे राजा मान रो मान बण्यो। ग्वालियर धरती तमर वंश में क्षत्राणी एक वीर जण्यो। चंद्र वंश रा वीरारिया, चंद्र वंश रा वीरारिया, भारत भुजागी। जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी, जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अभी आप हमारी पिछली फिल्मों में देवी सहस्त्र नाम का उच्चारण सुन चुके हैं, जिसमें महाकाली सहस्त्र नाम का उच्चारण फिल्म में जा चुका है। अब दस महाविद्याओं में से तथा अन्य देवियों के सहस्त्र नाम के उच्चारण से पूर्व यह अनिवार्य हो जाता है कि श्री भगवान शंकर के सहस्त्र नाम का उच्चारण किया जाए। और भगवान शंकर के सहस्त्र नाम के उच्चारण के बगैर देवी साधना में आगे बढ़ना उचित नहीं होता और उसका कोई अर्थ नहीं है। अतः यहाँ हम पहले भगवान शंकर के सहस्त्र नामों का उच्चारण करेंगे। और दूसरी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है, वही बात भगवान शंकर ने शिवपुराण में कही है। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में चार प्रकार के भक्त बताए हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर ने जो श्लोक बोला है वो लगभग वैसा ही है जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। उस श्लोक का यहाँ उच्चारण कर देता हूँ। चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतनः सदा, उत्तरोत्तरः
श्रेष्ठास्तेषां दक्ष प्रजापते आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थक और पूर्वे त्रयश्च सामान्याश्चतुर्थो हि विशिष्यते। तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपं च स स्मृतः और तस्मा प्रियतरो नान्य सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो ये यही श्लोक उसमें अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और यही श्लोक यहाँ भगवान शंकर ने दक्ष को कहा है। तो इसका जो अर्थ है, महादेव जी ने कहा है, प्रजापति दक्ष मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। चार प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं, हे दक्ष प्रजापते उन चारों भक्तों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ हैं, यानी कि जो पहले दिए हैं वो निकृष्ट हैं और उससे आगे का उससे श्रेष्ठ, उससे आगे का उससे श्रेष्ठ और चौथा सर्वश्रेष्ठ। उनमें पहला आर्त यानी जो दुख में भगवान का नाम लेता है, दुख में चिल्लाता है, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के तीन को तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं किंतु चौथा अपना विशेष महत्व है चौथे का। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह मेरा ही रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं सत्य सत्य कहता। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में कही है। तो एक बात तो ये हुई, दूसरी बात भगवान शंकर यहाँ पर कहते हैं कि हे दक्ष मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं, ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति को प्राप्त होता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। इसका श्लोक है, हरि भक्तो हि माम निंदित तथा शैवो भवेद्यते तयो शापा भवे युस्ते तत्व प्राप्तिर भवे नहि। तो दक्ष यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब इसके बाद में शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण हम करेंगे। तो शिव सहस्त्र नाम में जो असल में मूल कथा है, ये शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण भगवान विष्णु जी द्वारा किया गया और सहस्त्र नाम के द्वारा उनके हवन किया गया, यज्ञ किया गया। तो ये इसी से उन्होंने भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया। वो कुछ कथा इस प्रकार से है कि व्यास जी कहते हैं, सूत का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार का, ऋषि बोले, सूत जी आप सब जानते हैं इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभो हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए, तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। तब सूत जी ने कहा, मुनिवरो हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो, भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित होकर देवताओं ने देवरक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे हजार नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्तिभाव की परीक्षा करने के लिए
उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छुपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को भी पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेत्ता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हे हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। विष्णु बोले, हे नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है। आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूं। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। हे सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के बद में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तब सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों को उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया और देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। तब ऋषियों ने पूछा, शिव के वे सहस्र नाम कौन से हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। तब शुद्ध अंतकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके शिव के सहस्र नामों का उच्चारण आरंभ किया, जो भगवान विष्णु ने शिव की आराधना के लिए जाप किए थे। तो अब हम यहाँ उनका उच्चारण शुरू कर रहे हैं, शिव सहस्र नाम का। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। आज हम यहाँ शिव सहस्त्र नाम का इस फिल्म में उच्चारण कर रहे हैं। ये शिव सहस्त्र नाम जिसके विष्णु जी ने आराधना की थी और 1000 नामों के साथ भगवान शंकर को 1000 कमल पुष्प अर्पित किए थे, जिसमें से आप पीछे सुन चुके हैं, एक कमल भगवान शंकर ने गायब कर दिया था और पूरी उसका वृत्तांत सुन चुके हैं। अब शिव सहस्त्र नाम का हम यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, महाभारत के परमवीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन के वंशज,
और महाभारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी मैं यहाँ शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान शंकर आपका कल्याण करें। और शिव सहस्त्र नाम के साथ जो हवन किया जाता है उनको कमल पुष्प अर्पित किए जाते हैं हवन में, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन सबसे दुर्लभ शिव सहस्त्र नाम है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब आज हम आपके समक्ष यहां फिल्म शिव सहस्त्र नाम के दूसरे भाग का यहां प्रसारण करने जा रहे हैं आपके समक्ष। आप शिव सहस्त्र नाम की पिछले भाग में यानी भाग एक में शिव सहस्त्र नाम के 100 श्लोकों का उच्चारण आप सुन चुके हैं। इन 100 श्लोकों में अभी तक भगवान शंकर के 773 नामों का उच्चारण हो चुका है। तो 773 नाम आप पिछली फिल्म में शिव सहस्त्र नाम में सुन चुके हैं। अब इससे आगे के नामों का उच्चारण आप सुनिए जो भगवान विष्णु ने उच्चारण किए थे कमल के फूलों के साथ। तो ये कथा का हम पिछले भाग एक में शिव सहस्त्र नाम में आपको वर्णन कर चुके हैं। अब इससे आगे के जो है 773 नाम ये 100 श्लोकों में आ चुके थे, तो 100 श्लोक आपको हम सुना चुके थे। अब इससे आगे के श्लोकों का उच्चारण हम यहां कर रहे हैं, अब वो आप सुनिए। पूर्ण पूरयता पुण्य सुकुमार सुलोचन सामगिरे प्रियो क्रूर पुण्य कीर्तिर्नामय। पूर्ण पूरयता पुण्य सुकुमार सुलोचन सामगेय प्रियो अक्रूर पुण्य कीर्तिर्नामय। पूर्ण यानी सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा पूरयता भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले परम पवित्र सुंदर सुकुमार हैं, जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले सामगान के प्रेमी और क्रूरता रहित पवित्र कीर्ति वाले रोग शोक से रहित भगवान शंकर। ये 101वां श्लोक था। अब इससे आगे मनोज अविस्तीर्थ करो जटिलो जीवितेश्वर जीवितांत करो नित्यो वसुरे तापस्पृद। मनोज अब मन के समान वेगशाली तीर्थों के निर्माता जटाधारी जीवितेश्वर यानी सबके प्राणेश्वर और प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले सनातन और स्वर्णमय वीर वाले धनदाता भगवान शंकर सद्गति सत्कृति सिद्धि सज्जात खलकंटक कलाधरो महाकाल भूत सत्य परायण सत्पुरुषों के आश्रय शुभ कर्म करने वाले सिद्ध स्वरूप सत्पुरुषों के जन्मदाता दुष्टों के लिए कंटक रूप सत्पुरुषों के आश्रय शुभ कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप और सत्पुरुषों के जन्मदाता और दुष्टों के लिए कंटक रूप कलाधारी और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल सत्यनिष्ठ भगवान शंकर सब लोगों को। अब श्लोक है लोक लावण्य करता च लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवन शास्ता लोक गुरु महादीप। लोक लावण्य करता यानी सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले
लोकोत्तर सुख के आश्रय और सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव भगवान शंकर समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक और महाधिप महेश्वर। जय हो श्री शंकर, जय शिव शंकर। लोक बंधुर लोकनाथ कृतज्ञ कीर्ति भूषण, लोक बंधुर लोकनाथ कृतज्ञ कीर्ति भूषण, अनपायो अक्षर कांत सर्वशत्र भूतांवर। संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित अविनाशी और प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान शंकर, तेजोमयो द्युतुद्धरो लोकानाम अग्रीणी रूपरणु और शुचि स्मित प्रसन्नात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम। तेजोमयो द्युतुद्धरो लोकानाम ग्रमणी रणु और शुचि स्मित प्रसन्नात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम। तेजस्वी और कांतिमान संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लंघ्य भगवान शंकर, ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वर, ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वर, और तुम्ब वीणो महाकोपो विशोक शोक नाशन, तुम्ब वीणो महाकोपो विशोक शोक नाशन। तेजोमय विश्वनाथ आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी और तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संघार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित और शोक का नाश करने वाले भगवान शंकर, त्रिलोक पस्त्र लोकेश और सर्वशुद्धिर द्योदज, त्रिलोक पस्त्र लोकेश और सर्वशुद्धिर धोक्षज, त्रिलोक पस्त्रिलोकेश सर्वशुद्धिर दोक्षज, अव्यक्त लक्षणो देवो व्यक्ता व्यक्तो विशाम्पति। तीनों लोकों का पालन करने वाले और त्रिभुवन के स्वामी और सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप और प्रजाओं के पालक भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वरशीलो वरगुण सारो मान धनोमय और ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गतिर्वय। वरशीलो वरगुण सारो मान धनोमय और ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गतिर्वय। वरशील यानी श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व और स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और प्रजापालक विष्णु और सूर्य स्वरूप, हंस के समान चाल वाले और गरुड़ पक्षी भगवान शंकर, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वेदा विधाता दाता च स्त्रष्टा हर्ता चतुर्मुखा, ओ कैलाश शिखरावासी सर्वावासी सदागति। वेदा विधाता दाता च स्त्रष्टा हर्ता चतुर्मुखा, ओ कैलाश शिखरावासी सर्वावासी सदागति। ब्रह्मा
दाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी और निरंतर गतिशील वायु देवता भगवान शंकर, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हिरण्यगर्भो द्रोहिणो भूतपालो अथ भूपति और सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मण प्रिय, हिरण्यगर्भो द्रोहिणो भूतपालो अथ भूपति और सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मण प्रिय, ब्रह्मा और द्रोहिण ब्रह्मा, एक हिरण्यगर्भ ब्रह्मा और दूसरे द्रोहिण ब्रह्मा, और प्राणियों का पालन करने वाले पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी और योग विद्या के ज्ञाता योगी, और वर देने वाले और ब्राह्मणों के प्रेमी, यानी ब्राह्मण जिनसे प्रेम करते हैं, वे भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देव देव प्रियो देवनाथो देवज्ञो देव चिंतक, विषमाक्षो विशालाक्षो दृषदो वृषवर्धन। देव प्रियो देवनाथो देवज्ञो देव चिंतक और विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धन। देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता और देवताओं का विचार करने वाले और विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले और धर्म का दान और वृद्धि करने वाले भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। निर्ममो निरंकारो निर्मोहो निरुपद्रव ओ दर्पः दर्पदो द्रप्तः सर्वर्तु परिवर्तकः। निर्ममो निरंकारो निर्मोहो और निरुपद्रवः ओ दर्पः दर्पदो द्रप्तः सर्वर्तु परिवर्तकः। ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर और दर्प का हनन और खंडन करने वाले स्वाभिमानी और समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सहस्रजित सहस्रार्ची इसनिग्ध प्रकृति दक्षिणा भूत भव्य भवन्नाथ प्रदभो भूतिनाशन। सहस्रजित सहस्रार्ची और इसनिग्ध प्रकृति दक्षिणा और भूत भव्य भवन्नाथ प्रभु भूतिनाशन। सहस्रों पर विजय पाने वाले और सहस्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप इसने युक्त स्वभाव वाले तथा उदार भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी और सबकी उत्पत्ति के कारण और दुष्टों के ऐश्वर्य का विनाश करने वाले भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अर्थो अनर्थो महाकोश पर कार्य एक पंडित निष्कंटक कृतानंदो निर्व्याजो व्याज मर्दन। अर्थो अनर्थो महाकोश पर कार्य एक पंडित ओ निष्कंटक कृतानंदो निर्व्याजो व्याज मर्दन। परम पुरुषार्थ रूप प्रयोजन रहित अनंत धनराशि के स्वामी और पराय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप और स्वयं कपट रहित होकर दूसरों के कपट को नष्ट करने वाले भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सत्य
सात्विक सत्य कीर्ति स्नेह कृतागम अकंपितो गुणग्राही नैकात्मा नैकर्म कृत सत्वा वासन सात्विक और सत्य कीर्ति स्नेह कृतागम और अकंपितो गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्म कृत सत्व गुण से युक्त सत्वनिष्ठ और सत्य कीर्ति वाले जीव के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों के प्रकाश में लाने वाले सुस्थिर और गुणों का आदर करने वाले और अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सुप्रीत सुमुख सूक्ष्म सुकुरु दक्षिणा निल नंदी स्कंद धरो धूर्य प्रकट प्रीति वर्धन। सुप्रीत सुमुख सूक्ष्म सुकरो दक्षिणा निल और नंदी स्कंद धरो धूर्य प्रकट प्रीति वर्धन। अत्यंत प्रसन्न सुंदर मुख वाले स्थूल भाव से रहित सुंदर हाथ वाले और मलया अनिल के समान सुखद और नंदी की पीठ पर सवार होने वाले उत्तरदायित्व का भार करने में समर्थ और भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट प्रेम बढ़ाने वाले भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अपराजित सर्वसत्व गोविंद सत्ववाहन अद्रत स्वदर्थ सिद्धिभूत मूर्ति शोधन। अपराजित सर्वसत्व गोविंद सत्ववाहन अद्रत स्वदृत सिद्ध भूत मूर्ति शोधन। किसी से परास्त न होने वाले संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोविंद यानी गोलोक की प्राप्ति कराने वाले सत्ववान यानी सत्व स्वरूप धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले आधार रहित अपने आप में ही स्थित और नित्य सिद्ध पवित्र शरीर वाले सुयश के धनी भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यहां तक 118 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं और इसमें 907 नामों का उच्चारण अभी तक हो चुका है। 773 नाम आप पहली फिल्म में सुन चुके थे, उससे आगे अब ये 118 श्लोक तक 907 नामों का उच्चारण भगवान शंकर के का हो चुका है। अब आगे सुनिए। वारा श्रृंग द्रकंक्षंगी बलवानेक नायक शुद्ध प्रकाश शुद्ध मानेक बंधुन नेक कृत। वारा श्रृंग द्रकंक्षंगी और बलवानेक नायक और श्रुति प्रकाश श्रुति माने बंधुर नेक कृत। बारह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध शक्तिशाली अद्वितीय नेता वेदों को प्रकाशित करने वाले और वेद ज्ञान से संपन्न सबके एकमात्र सहायक और अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्रीवत्सल शिवारंभ शांत भद्र समुयश और भूषयो भूषणो भूतिर्भूतिकृत भूत भावन। श्रीवत्सल शिवारंभ शांत भद्र समुयश और भूषयो भूषणो भूतिर्भूतकृत भूत भावन। श्रीवत्सधारी
श्री वत्सधारी, ये घर घर जो द्वार पर चिन्ह बना रहता है, तिजोरियों पे लोग बना देते हैं श्री वत्स का चिन्ह, तो ये है श्री वत्सधारी। भगवान शंकर स्वयं श्री वत्स का धारण करते हैं, विष्णु के लिए मंगलकारी, विष्णु जो है वो भी धारण करते हैं, वो उनके लिए भी मंगलकारी हैं। ये श्री वत्स के स्वयं स्वरूप है, गणेश जी का निवास स्थान है श्री वत्स चिन्ह, जो जहां जिस घर पर बना हो वहां गणेश जी का स्वयं साक्षात निवास रहता है, और वहां भगवान शंकर स्वतः आते हैं, इसलिए श्री वत्स धारी और विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल रूप और सर्वत्र संभाव रखने वाले, यानी कि समभाव रखते हैं, सर्वत्र समभाव रखने वाले और यश स्वरूप और पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप और प्राणियों की सृष्टि करने वाले और भूतों के उत्पादक भगवान शंकर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अकंपो भक्ति कायस्तु कालः नील लोहिता ओ सत्यव्रत महात्यागी ओ नित्य शांति परायण। कंपित न होने वाले भक्ति स्वरूप कालनाशक नील और लोहित वर्ण वाले सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी और निरंतर शांत परम शांत कंपित न होने वाले भक्ति स्वरूप और काल के नाशक नील और लोहित वर्ण वाले सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी निरंतर शांत परार्थ वृत्तिर्वरदो विरक्तस्तु विशारद शुभदय शुभकर्ता च शुभ नामा शुभ स्वयं। परार्थ वृत्तिर्वरदो और विरक्तस्तु विशारद और शुभदय शुभकर्ता च शुभ नामा शुभ स्वयं। परोपकार वर्ती एवं अभीष्ट वर प्रदाता, परोपकार वर्ती एवं अभीष्ट वर प्रदाता वैराग्यवान विज्ञानवान शुभ देने और करने वाले स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नाम धारी। अनार्थितो अगुण साक्षी अकर्ता कनक प्रभ, अनर्थितो अगुण साक्षी वकर्ता कनक प्रभ और स्वभाव प्रदो मध्यस्थ शत्रुघ्नो विघ्न नाशन। अनर्थितो अगुण साक्षी व्यकर्ता कनक प्रभ स्वभाव भद्रो मध्यस्थ शत्रुघ्नो विघ्न नाशन। याचना रहित निर्गुण और दृष्टा एवं कर्तृत्व रहित स्वर्ण के समान कांतिमान स्वभाव प्रदा अर्थात स्वभावतः कल्याणकारी उदासीन शत्रु के नाशक और विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान शंकर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत सर्वद्रक सिंह स्तेजो राशिर महामणि। शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्य सर्वद्रक सिंह स्ते जो राशिर महामणि। मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले और जटा मुंड माला और कवच धारण करने वाले मृत्यु से रहित और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ तेज पुंज महामणि को स्तुंभ बादि रूप, कौस्तु बादि रूप ये एक शब्द है जो कि भगवान श्री कृष्ण के उसमें भी आता है, तो ये भगवान शंकर के लिए भी यहां उच्चारण हुआ ये नाम। तो
तेज पुंज महामणि को स्तुभादि रूप भगवान शंकर। नमः शिवाय। असंसंख्यो अप्रियात्मा वीरवान वीरकोविदः ओ वेदश्चैव वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः। असंसंख्यो अप्रियमात्मा वीरमान वीरकोविदः ओ वेदश्चैव वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः। यानी असंसंख्यो अप्रियम आत्मा वीरवान कूर्य विदा, असंख्यो ये अप्रिय आत्मा वीरवान वीर को विदा, वेद श्वैव व्यूगात्मा परावर मुनीश्वर। असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य और दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले और भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अनुत्तमो दुरादर्शो मधुर प्रिय दर्शन सुरेश शरणम सर्व ब्रह्म शब्द ब्रह्म सताम गति। अनुत्तमो दुरादर्शो मधुर प्रिय दर्शन और सुरेशम शरणम सर्व शब्द ब्रह्म सताम गति। सर्वोत्तम एवं दुर्जय जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के भी ईश्वर आश्रयदाता सर्वस्वरूप प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय भगवान शंकर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। काल पक्ष काल काल कंकणी कृत वासुकी महेश्वासो मही भर्ता निष्कलंको विश्वंखल। काल पक्ष काल काल कंकणी कृत वासुकी ओ महेश्वासो मही भर्ता निष्कलंको विश्वंखल। काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल और वासुकी नाक को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले मां धनुर्धय मही भर्ता यानी पृथ्वी पालक और निष्कलंक यानी कलंक शून्य और विश्रंकल यानी बंधन रहित दिव्यमण स्तरण धन्य सिद्धिद सिद्ध साधन और विश्वत समृत स्तुत्यो व्यूढोरस को महाभुज द्युमण स्तरणी धर धन्य सिद्धिद सिद्ध साधन और विश्वत संवर्त स्तुत्यो व्यूढोरस को महाभुज। आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भवों को भव सागर से तानने के लिए नौका रूप सूर्य और कृतकृत्य सिद्धिद सिद्ध साधन यानी सिद्धिदाता और सिद्धि के सहायक सब ओर से माया द्वारा आवृत स्तुति के योग्य चौड़ी छाती वाले और बड़ी बांह वाले भगवान शंकर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सर्वयोनि निरातंको और नर नारायण प्रिय निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंग्यो व्यंग नाशन। सर्वयोनि निरातंको नर नारायण प्रिय और निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंग्यो व्यंग नाशन। सबकी उत्पत्ति के स्थान यानी सर्वयोनि और निरातंक यानी निर्भय और नर नारायण प्रिय नर नारायण के प्रेमी
अथवा प्रियतम और निर्लोपो निष्प्रपंचात्मा दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत रूप वाले विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्राकट्य में हेतु और यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण्य का नाश करने वाले भगवान शंकर, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस्तव्य इस्तप्रिय इस्तुता व्यास मूर्ति निरुंकुश और निर्वद्ध मयोपायो विद्या राशि रस प्रिय। इस्तव्य इस्तप्रिय इस्तुता व्यास मूर्ति निरंकुश और निर्वद्योपायो विद्या राशि रस प्रिय। स्तुति के योग्य स्तुति के प्रेमी स्तुति करने वाले व्यास के स्वरूप और अंकुश रहित स्वतंत्र मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप और विद्याओं के सागर ब्रह्मानंद रस के प्रेमी। देखिए स्तुति के योग्य स्तुति के प्रेमी और स्तुति करने वाले और व्यास के स्वरूप अंकुश रहित स्वतंत्र मोक्ष प्राप्त के निर्दोष उपाय रूप और विद्याओं के सागर और ब्रह्मानंद रस के प्रेमी भगवान शंकर, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रशांत बुद्धिर शुन्नः संग्रही नित्य सुंदरः वैयाग्र दुर्योदात्रिश शाकल्य शर्वरी पते। प्रशांत बुद्धिर शुन्नः संग्रही नित्य सुंदरः वैयाग्र दुर्योदात्रिश शाकल्य शर्वरी पते। प्रशांत बुद्धि यानी कि शांत बुद्धि वाले क्षोभ या नाश से रहित और भक्तों का संग्रह करने वाले और सतत मनोहर व्याघ्र चर्मधारी और ब्रह्मा जी के स्वामी शाकल्य ऋषि स्वरूप और रात्रि के स्वामी चंद्रमा स्वरूप भगवान शंकर, नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। परमार्थ गुरुर्दत्त सूर्यराशिश्रित वत्सल परमार्थ गुरुर्दत्त सूर्यराशित वत्सल और सोमु रसज्ञो रसद सर्वसत्वावलंबन। परमार्थ तत्व का उपदेश करने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप और शरणागतों पर दया करने वाले उमा सहित और भक्ति रस के ज्ञाता और प्रेम रस प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले भगवान शंकर, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये शिव सहस्त्र नाम का अंतिम श्लोक है और इसके साथ ही भगवान शंकर के 1000 नाम यानी सहस्त्र नाम पूर्ण होते हैं संपूर्ण होते हैं। तो मैं श्लोक का अंतिम होने के कारण पुनः उच्चारण कर रहा हूं। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद भगवान शंकर के चरणों में इस श्लोक को समर्पित कर रहा हूं। इसी श्लोक में एक फूल कम पड़ गया था कमल का, जिसके लिए भगवान विष्णु की परीक्षा ली थी। भगवान शंकर ने वो कमल गायब कर दिया था और उस परीक्षा में तब भगवान विष्णु ने जो अपना नेत्र था कमल नेत्र उसको निकाल के चढ़ा दिया था। तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए थे, उनका नेत्र भी उन्हें वापस कर दिया था और जो फूल उन्होंने गायब किया था उस फूल को भी वापस स्वयं पूर्ण आहुति दी थी और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था इसी सहस्त्र नाम से। अतः अब इसका क्या महात्म्य है ये इसी में हम आगे वर्णन करते हैं। अब ये फिल्म शिव सहस्त्र नाम इसके साथ ही यहाँ संपूर्ण हो जाएगी और ये पूरे शिव सहस्त्र नाम भाग एक
फिल्म का और भाग दो, ये दोनों मिला करके शिव सहस्त्र नाम ये पूर्ण हो जाएंगे। तो अब हम इसका वो बताते हैं। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। अब यहां भगवान विष्णु का दिया है विवरण, उसको मैं उच्चारण कर रहा हूं। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमल कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, अरे सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जहां भगवान शंकर का नाम लिया जाता है वहां नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं प्रवेश करती। कोई भी दुष्ट आत्मा, दुष्ट पुरुष और दुष्ट मनुष्य या दुष्ट जीव जंतु जो दिखाई नहीं देते, जिन्न भूत ये प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर, वो सब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ये भगवान शंकर बोले, अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र का प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांग्योपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन का देने वाला और संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा से ही शिव भक्ति देने वाला है और जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। और जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि और रिद्धि कभी उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान शंकर ने कहा जब सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु को दिया। अब सूत जी कहते हैं, तो मुनीश्वरों ऐसा कहकर सर्व देव देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते ही वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और फिर वो प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। यानी भगवान विष्णु नित्य इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, स्वयं उच्चारण करते हैं। तो इसको जो सुनेगा, करेगा या करवाएगा उसका कल्याण का अभी हम बता चुके हैं भगवान शंकर ने क्या कहा है। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। यानी भगवान विष्णु ने उनके जो भक्त हैं उन सबको ये उपदेश दिया कि इसका पाठ करिए और इसका उच्चारण करिए। अतः हे जनमेंजय सिंह तोमर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? यहां पर यह अध्याय पूर्ण होता है। ये अध्याय 35-36 है कोटि रुद्र संहिता का। तो कोटि रुद्र संहिता का ये अध्याय आया जिसमें ये पूरा सहस्त्र नाम है, तो ये कोटि रुद्र संहिता में दिया। इसके उपरांत जो आगे की चीजें हैं वो काफी हैं भगवान शंकर की, वो हम बाद में वर्णन करेंगे। फिलहाल
ये शिव सहस्त्र नाम जो फिल्म है, ये भगवान शंकर के पूरे 1,000 नाम हमने दोनों फिल्मों में ले दिए। तो जो पीछे 100 श्लोकों में गए थे 773 नाम, उससे आगे के हमने आज उच्चारण कर दिए। और इस फिल्म को हम यहीं पूर्ण देते हैं भगवान शंकर के, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शंकर के दिनों में महाकाल और महाकाली के दिन रहते हैं, ये उनमें यह फिल्म पूर्ण हो रही है। ये सबसे बड़े भाग्य की और आश्चर्य की बात है, ये साक्षात भगवान शिव और काली की कृपा है कि ये सावन के महीने में ये फिल्म पूर्ण हुई है और सावन के महीने में ही प्रसारित और प्रसारण प्रकाशित होने जा रही है सारे संसार भर के लिए। ये पूरे विश्व के लिए ब्रॉडकास्ट वो प्रसारण है, यूट्यूब चैनल के जरिए भी जाएगी और आप इसको अन्यत्र टेलीविजन पे देख सकते हैं, सीधा टीवी चैनल पर आप हमारे चैनल को खोलेंगे तो इसका लाइव प्रसारण भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टीवी चैनल पर भी आपको उपलब्ध रहती है, यूट्यूब के जितने भी चैनल हैं सभी टीवी चैनलों पर आते हैं, तो आप इस फिल्म को भी वहां पर देख सकते हैं। हमारी और भी फिल्में हैं इससे पूर्व है, यानी कुल 162, और फिल्म ये और बिस्मिल संग्रहालय की जो फिल्म है वो आ रही है अभी इसी के ठीक बाद, यानी 163 ये फिल्में हो जाएंगी। और ये सब आप टीवी चैनल पर अपने पे देख सकते हैं यूट्यूब खोल करके। ओम नमः शिवाय, 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 जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय माँ महाकाली। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हूं दक्षिण काली के, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हूं स्वाहा। हे जगत जगन्नी महामाया योग माया कृपा करो। जय श्री योग माता देवी।